साई राम, मैं देविका टीम साई पूजा की ओर से आप सभी का साई पूजा चैनल पर हर मुश्किल का हल मेरे साई में स्वागत करती हूँ। बहुत से हमारे साई भक्त ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि बाबा को नॉनवेज भोग लगाया जाए या नहीं, क्योंकि उनके घर में नॉनवेज बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि श्री साई सच्चरित्र के अनुसार बाबा ने कभी भी किसी को भी नॉनवेज खाने को नहीं रोका, ना कभी टोका। उन्होंने कभी किसी भक्त को किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया। इनफैक्ट जब बाबा भी हांडी में खाना बनाते थे तो नॉनवेज वालों के लिए अलग बनाते थे और वेज वालों के लिए अलग बनाते थे और सबको प्यार से खिलाते थे। ना उन्होंने कभी किसी को नॉनवेज खाने के लिए बोला और ना उन्होंने कभी किसी नॉनवेज वाले को नॉनवेज छोड़ने के लिए बोला। और शायद यही खासियत है साईं भक्ति की कि कोई भी कैसा भी किसी भी तरह से बाबा की भक्ति कर सकता है, बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए। सबसे पहली बात कि बाबा को नॉनवेज भोग हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा जो मंदिर है ना, उसमें साथ में और भी रूप हैं, जैसे भगवान शिव शंकर, कृष्णा जी, हमारी प्यारी माता रानी और भी अन्य भगवान हैं। तो अगर हम वो नॉनवेज वाले भोग की थाली लेकर मंदिर में जाएंगे और रखेंगे तो सभी भगवान जी को भोग लग जाएगा, जो कि ऐसा हमें नहीं करना भूल के भी। इसीलिए आज मैं आपको सबसे सरल उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सुनने से ना ही आपके दिल में डाउट रहेगा और ना ही आपको ऐसा सोचने को होगा कि नॉनवेज भोग लगाना ठीक है या नहीं। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जिनके घर में नहीं बनता, वो तो एक साइड पे हैं कि इनके घर में तो नॉनवेज नहीं बल्कि वेज ही भोग लगेगा। बट जिनके घर नॉनवेज बनता है परंतु साईं भक्त नहीं खाता नॉनवेज, वो भी बाबा को नॉनवेज भोग मत लगाए। बिकॉज जो एक साईं भक्त खाएगा वही बाबा खाएंगे, इसीलिए जो आप खाते हो वही बाबा को दें। एंड तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल का हल कि जिनके घर में नॉनवेज बनता है और साईं भक्त भी नॉनवेज खाता है, वो बाबा को मंदिर में जाकर थाली में परोसने की बजाय जब आप खुद खा रहे हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और बाबा को भोग लगवा, वहीं बैठे बैठे बाबा को भोग लगा लो, बाबा का ध्यान कर लो, बाबा आके आपका भोग लगा लेंगे। इसके लिए आपको मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जब आप खाना खाना शुरू करें तब साईं बाबा का नाम लेकर भोग लगा कर ही करें। इससे आपके दिल में डाउट भी नहीं रहेगा और बाबा को भोग भी लग जाएगा। आपको मंदिर में भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपके सारे भगवान भी खुश रहेंगे और बाबा भी खुश रहेंगे। उम्मीद है आपको ये उपाय पसंद आया हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम साईं राम।